नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की छोटी बड़ी सभी खबरों। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज, जुर्म का पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ ही एसपी रावत। जैसा कि आप जिस सड़क को देख रहे हैं, यह सड़क NH 730 यानी कि महाराजगंज से ठूठीवारी रोड से लिंक रोड है और यह रोड बोदना होते हुए बकुलडीहा सुकड़हर तक जाती है। जैसा कि जिस जगह हम इस समय खड़े हैं, यह जगह लोहरौली और बोदना के बीच का सड़क है, जहां आए दिन घटनाएं हो रही है। जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप वीडियो फुटेज में आसानी से देख सकते हैं कि सड़कें कितनी ध्वस्त हो चुकी हैं और कितना गड्ढा हो चुका है। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वीडियो फुटेज में और दूरी भी देख सकते हैं। अभी थोड़ी दूर फिर हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि अब आप देखिए इस सड़क को, यह सड़क नहर की सड़क है जो आगे चलकर बोदना माइनर में मिलती है और वह सड़क भी काफ़ी ध्वस्त हो चुका है। जैसा कि फिर मैं इस वीडियो फुटेज को दिखाना चाहूँगा जो मेन सड़क से बोदना की तरफ जाने वाली सड़क है, लोहरौली और बोदना के बीच में कटखोर ग्राम सभा के पास है। मैं पुनः दूसरे तरफ की सड़कों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से गड्ढा, एक आप देख सकते हैं नज़दीक से मैं दिखा रहा हूं, ये सड़क का लेवल है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे किस तरह से गड्ढा बना हुआ है। अब ज़रा इधर भी मैं आपको घुमा के कैमरे को दिखा दे रहा हूँ कि जो भी सड़कें हैं पूरी तरह से ध्वस्त हैं। और जैसा कि बीजेपी की सरकार बनते ही सड़कों का जाल बिछ गया, बिजली का जाल बिछ गया, सारा काम हो रहा है, लेकिन अभी तक लोहरौली और बोदना संपर्क मार्ग पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसे क्या कहें, दुर्भाग्य या फिर राजनीति? अगर राजनीति है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह किसी का व्यक्तिगत नहीं है, सार्वजनिक सड़क है। इसे जल्द से जल्द सुदृढ़ कराने में ही अच्छाई होगी ताकि तमाम लोगों की जान बच सके। जैसा कि मैं अपने ही बारे में बता दूं कि मैं अपने ही सामने दो दिन कंटिन्यू दो बाइक सवारों को सामने गिरते हुए देखा और मैं जाकर बाइक उठाया, उन लोगों को इलाज के लिए भेजवाया। जैसा कि आप देख सकते हैं जिस तरह से यह गड्ढा बना हुआ है, आए दिन बाइक सवार अगर दूर के हैं तो उनकी तो नज़र बिल्कुल नहीं पड़ती है कि आगे किस तरह का सड़क है। जो नज़दीक का है, जो पड़े आ रहा है, वह भी यहां आकर मात खा जाता है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, मैं कैमरे को नीचे कर दिया हूं, ये सड़क का लेवल है। और अब आप देख सकते हैं कि बीच बीच में किस तरह से गड्ढा बना हुआ है, जिसकी वजह से आए दिन बाइक सवार यहां गिर रहे हैं। इससे पहले जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मेरे सामने ही दो दिन कंटिन्यू दो घटनाएं देखने को मिली, जिनको सहयोग करके मैं दवा कराने भेजा और यहां तक कि बाइक नहीं उठा पा रहे थे, लोग पूरी तरह से घायल हो चुके थे। लेकिन संजोग था कि उस तपती हुई धूप में मैं आ रहा था, अन्यथा वह बेचारे सब यहीं तड़पते। जैसा कि मैं बता दूं कि नहर की जो सड़क है वह भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जो आए दिन खतरे का सबब बन रहा है। इंडिया पावर न्यूज़ के लिए महाराजगंज से यशवी रावत की रिपोर्ट।